Hello, my dear friends. Today I'm going to make a Swedish um, for which I will be giving you the recipe in English in the description box. So please check that because I'm going to otherwise talk in my own language. So, ji mein yaha pe banani jaar rahi hu chane shakkar or ghee ke saath. आपके लिए आज एक नई डिश जो मैंने कभी नहीं बनाई है आ, अपनी लाइफ में भी मैं खुद पहली बार ही बना रही हूँ और आ, अपनी वाइटी पे भी पहली बार बना रही हूँ तो जी ये चने हैं जो भुने हुए चने बाज़ार से मिलते हैं जिनके ऊपर छिलका होता है मैंने छिलका उतार लिया है और ये शक्कर है तो हम लेंगे एक कटोरी और इससे थोड़ी सी ज़्यादा ये चने हैं जिनके मैंने छिलके उतार दिए हैं नॉर्मली इन चने में थोड़ा सा नमक होता है और अभी भी हल्का सा नमक है लेकिन शक्कर है मीठी है तो चल जाएगा उस आई थिंक वो उसको कवर कर देगा कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली तो हम एक uh, कटोरी के करीब शक्कर इसमें लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी हमें तो हम थोड़ी और शक्कर इसमें ले लेंगे क्योंकि जो चने हैं वो भी एक कटोरी और उससे थोड़े से ज़्यादा हैं तो मैंने जो पिछली बार बनाए थे ना गुड़ से वो बहुत ज़्यादा मीठे बने हैं वो गुड़ मुझे लगता है असली गुड़ नहीं है उसमें शुगर मिलाई हुई है बहुत ही ज़्यादा मीठा गुड़ है वो तो वो खाए गए हैं ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिए हैं वो या फेंक दिए हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं ये शक्कर जो है ये प्रॉपर शक्कर है आ, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है तो ये एक कटोरी और उससे हल्का सा ज़्यादा चने हैं तो हम एक कटोरी शक्कर लेके इसको फ्राइंग पैन में मैंने दो चम्मच घी डाला था तो इसको आप गर्म कर लेते हैं तो जैसे ये पिघल जाएगी तो उसमें हम फिर चने ऐड करेंगे लेकिन मैंने थोड़ी सी शक्कर और रख ली है केस मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी साथ में मिला दूंगी तो सेक को मैंने बिल्कुल हल्का रखा हुआ है कि शक्कर जल नहीं जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है और घी भी हमने बहुत थोड़ा डाला हुआ है क्योंकि मुझे जैसे मैंने बताया कि मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि घी होने से ये जल्दी चिपकेंगे या नहीं चिपकेंगे ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो अब जी शक्कर हमारी पिघल गई है तो हमने इसमें चने डाल दिए सारे और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि चने में जो गुड़ है शक्कर है वो सारे इनमें चिपक जाए और जो हम बनाना चाहते हैं वो इजीली बन जाए तो मेरे दोस्तों आप गेस कर सकते हो कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ हैव अ गैस तो अभी मुझे लग रहा है कि शक्कर थोड़ी सी इसमें कम है तो मैं इसलिए थोड़ी शक्कर जो रखी हुई थी वो भी इसमें मिक्स करने वाली हूँ तो अब इसको भी पिघला लेते हैं तो इसके बाद जब ये पिघल जाएगी तो गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हम इसको हाथ में पकड़ सकें तो दोस्तों इतना तो अब आप, आपने गैस कर लिया होगा कि ये पहले गुड़ के साथ चने मिक्स करने उसके बाद हाथ में पकड़ना है तो हाथ में पकड़ के हम क्या बनाएंगे गैस करिए और कमेंट करके बताइए हम क्या बनाएंगे तो देखते हैं आपका गैस राइट होता है या नहीं होता है इंडिया में तो ये बहुत बनते हैं और बाजार में भी बिकते हैं लेकिन आ, मैंने बचपन में ही खाए थे उसके बाद नहीं खाए हैं तो आज दिल किया कि चने पड़े हुए हैं कोई खा नहीं रहा है सॉल्टी वाले चने तो चलो मीठे ही अभी गुड़ की ज़रूरत है सर्दियों में तो मीठे ही बना लेते हैं तो जी ऑलमोस्ट हो चुके हैं अब मैं इनको करूँगी बंद और मुझे साथ में रखना है एक कटोरी में पानी ताकि मैं अपने हाथ को हल्का सा गीला करके ताकि मुझे ये इतने गरम ना लगे चने जो हैं क्योंकि इतना हॉट है एकदम से और फिर जो शक्कर है वो भी हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और हाथ जलेंगे और मेरे हाथ इस वक्त वैसे भी काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं तो इसलिए पानी साथ रख के इनको चला इसलिए रही हूँ वैसे तो हो चुके हैं लेकिन इनको ठंडा करने के लिए चला रही हूँ गैस को बंद कर दिया है लेकिन इनको ठंडा करने के लिए चला रही हूँ ताकि थोड़ी सी इनमें से हीट निकल जाए और जो हीट निकल जाएगी तो थोड़ा मुझे इजीली इनको बनाने में आ, मदद मिलेगी अब लास्ट टाइम जो मैंने आ, बनाया है ना उससे गुड़ से वो एक तो मीठा बहुत ज़्यादा था तो बड़े भी हैं तो इसलिए ये जो है मैंने अभी ये देखें जुड़ रहा है अभी जुड़ा नहीं है ये कुछ एक जुड़ चुके हैं तो ऐसे वाले ये लड्डू ऐसे होते हैं एक दूसरे भी होते हैं जो बिल्कुल आधे किए हुए चने को और बहुत ज्यादा गुड़ होता है और ऊपर थोड़े से चने चिपकाए होते हैं लेकिन ये पूरे चने हैं ताकि टू मच गुड़ ना हो जाए तो ऐसे हैं ये ये थोड़े से ऐसे बनाएं बाकी मैंने सिर्फ ऐसे दाने ही रख दिए हैं क्योंकि अगर किसी का दिल नहीं है पूरा लड्डू खाने में तो फिर उसकी बजाय दो तीन दाने ही खा लें और मैंने रियली में एक्सपेरिमेंट किया है कि कोई चीज़ आप जब ऐसी खुली रखते हो ना जैसे छोटे छुट छोटे दाने अलग अलग से वो जल्दी खाए जाते हैं बजाय इसके कि लड्डू या पिन्नी या कुछ ऐसे बना हुआ वो कम खाए जाते हैं क्योंकि सबको लगता है इतना बड़ा ऐसे खाना पड़ेगा टू मच है तो